तो हेलो, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो? उम्मीद करूँ सारे अच्छे हो गए। जम्मा एक बार कूलर बंद कर दो। हाँ, ये कूलर बंद हो गई, आवाज आवे है ना, आती होगी शायद। दाऊँ तो मैं फिर से स्वागत करूँ आप सबका मेरा एक और नए ब्लॉग में। तो बज रहे शाम के 5। सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह ड्यूटी चल गई थी मैं, और इब आई हूँ आके। बस सर दो ही दो तीन दिन हो गए थे, तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी। मैं तो सो गई थी आते ही, ड्रेस चेंज करता ही। और ये सुरेश का थैंक यू छुपा है तो सुरेश का थैंक यू। सुरेश ने सर धो दिया बेचारा ने और सुखा दिया है। ये बिग थोड़ा थोड़ा गिला तो रह रहे है। मैंने क्या ना सुखा दिखा, ये झूठ बोला है। ड्रायर कल है जो रहा अड़े ही पड़े है तो इसने सर सुखा दिया था मेरा। और मेरा सोन के मन में थी, मैं सोचा एक डेढ़ घंटा रेस्ट कर लूँ, लेकिन महाराज जी आज मैंने धक्का था जिम में लेके जान लग रहे हैं। तेरा तो रोज का काम हो रहा है कि सो जाऊं या फिर और काम कर लूं, कल चल लांगे। सुबह रे 5 बजे उठाने लग गए थे, यूं बोले चल चल आ जिम में। मैं बोली 5 मिनट रेस्ट कर दो। फिर किया था 5 मिनट, अपना पता ही है। फिर मेरी कब हुई, फिर मेरी आंख खोली 7:30 बजे, तब को जाने का टाइम नहीं था। तो ईब सर मन धो लिया है वैसे एक बार नहा के, और जिम वाला को जिम वाले कपड़े डाल लूँ फिर चलेंगे अब जिम में। बहुत दिनों के बाद जब सुरेश आपका फोन था, मेरा फोन में मैसेज करने लग रहे हैं जो जो सामान हमें लेके आना है नहीं, क्योंकि रोज हम भूल जाए वहाँ यो सामान था वो सामान था। इब बैठे बैठे के लिख लिया आपने, एक तो लोअर चेंज करवाना है, एक पोस्टर बनवाना है, और एक पानी कैंपर लेके आना है, और एक लोअर चेंज करवानी, और जिम तो जावाएंगे ये थोड़ा ना बोलेंगे, चेयर लेके आनी, और एक स्टडी टेबल लेके आनी, और एक पाइप लेके आना क्योंकि मेरी टंकी जल्दी खाली हो जावे है, तो पाइप लेके आना। और के तुम्हारी याद नहीं रहा तो थम याद दुआ दियो, अभी रोज भूल जावा हाँ। और रूम पे आते ही आते याद आवे है कि वो सामान भूल गई। और एक माइक लेके आना क्योंकि आवाज ना आती, ये रोज मेरे से शिकायत करें कि आपकी आवाज क्लियर ना आती। तो इब जल्दी सी चेंज कर लो कपड़े, ना होगे आके ना होगे तो फिर मैं तो सर छूट गया मेरा। तो चलो आज हमारा पहला है इनका, शायद इनने भी शायद कब करी थी अपने लास्ट टाइम जिम, दो तीन साल इन्ने हो ली, और मैंने 1.5 साल तो ऊपर मैंने हो लिया है जिम मजा ही। तो उस पहला दिन आज तो बिल्कुल नॉर्मल सा वर्कआउट करांगे, देखते हैं बाकी क्या कुछ रहेगा, आप सब भी देख लेना। और जिसने किस ऊपर वीडियो चाहिए, टमी बढ़ाने खातर, वेट बढ़ाने खातर, वेट लॉस खातर, तो वो आप हमें बता दो, उस चीज़ के ऊपर हम एक्सरसाइज की वीडियो ले आवांगे दोनों के दोनों। तो जल्दी चालू इन जिम में मिलांगे आप। जिम में मैं जब जाऊँगी कंडीशन रखूँ मैं, कंडीशन पूरी करो तो मेरी देख लियो। उड़ना आओ कैमरा का गाओ, आओ कैमरा का गाओ, नू तो मानो को नहीं, मना कर दोगे ना, मना कर दोगे पक्का। गाड़ी में लेके जाऊंगी, आते वक्त नहीं, अब भी आते वक्त भी लेके आऊंगी, रिब्बी भी लेके जाऊंगी। बोलो कंडीशन है तो मैं जिम में जाऊंगा, ना मैं सोंग फट करके सोचेंगे नहीं सुनू, अब तो रेडी होना 10 मिनट बाद में जाना ही है, फिर रेडी होना बाद में थोड़ा ना अपन पता ऊपर आऊंगी मैं। जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी ठीक है। तो आप सबको सामने नाम भरी है कि गाड़ी आप लेके जाइयो, यदि मैंने नहीं लेके जाने देंगे तो आज आ तो मैं चली जाऊंगी, फिर कल नहीं जाऊंगी ठीक है, फिर देखूंगी किसने लेके जाओगे साथ में। और आप सोनीपत में नए नए हो, शर्म आप ना आओगे, मैंने नहीं आवे तो अच्छा सा बहाना है गाड़ी चलाने का। तो गाइस मैं तो हो रहा हूँ रेडी, सोनी का अभी तक रेडी नहीं हुई है, देख लो 1.5 घंटा पहले बोलन लगी थी मैं तैयार हो ली जल्दी करो आप, लेट कहां लग रहे हो? चार्जर मैंने बैग में डाल रखे है, टिफिन ले लिया, टिफिन बैग में डाल दो नहीं तो भूल जाओ, टिफिन की बहुत है। तो हम लिखने लग रहे हैं, चाबी गाड़ी तो मैंने चलानी है, मैंने बोला था
चलो चलो लॉक लगाओ और लेट कर दिया। अरे नजर आ रही है, कोई वो नहीं चलेगा तुमने जबरदस्ती। सवेरे 5 बजे निकलने लगे थे जिम। पकड़ो, चलो चलो लिफ्ट बुला ले। इसको इंट लगा दे एक बार। सवेरे 5 बजे निकलने लगे थे, उन्होंने कहा कि तैयारी नहीं होने लग रही अभी, तो बहुत मुश्किल जाकर लॉक लग गया है। कौन लॉक लगने लग रहा है? हमारी लिफ्ट कहाँ पहुंची है? लिफ्ट पहुंची हमारी 5 नंबर पे। बताना कौन सा क्यूट लग रहा है हम दोनों में से, बताओ कौन सा सुंदर लग रहा है। मर गया आपका, नहीं वो अट्रैक्टिव सा है ये वाला कलर। नहीं कलर तो सेम ही है, ऐसी बात नहीं, नहीं अट्रैक्टिव सा है तो आप ना अच्छा बताओगे। मेला बड़ किला का है, चलो चलो कम से कम अपनी बात पर कायम तो रहे। मन लगा था कभी आपकी बात पर कायम ना रहे, पक्का मकाल हो रही हूँ। फिर हम जाने लग रहे हैं जिम में। ये सोनिका ड्राइवर गाड़ी चला रही है। ड्राइवर है आप तो पूरी वो सारी फीलिंग ले रहे हो, क्या नाम अफसर वाली है, ड्राइवर गाड़ी चला रही है। जल्दी पक्का ड्राइवर बन गया तो पक्का, जिस दिन पक्का ड्राइवर बन गया ना फिर बढ़िया गाड़ी ले जाऊंगा, बढ़िया वाली। अच्छा वही कच्चा ड्राइवर मतलब? अभी तक पूर्ण रूप पक्का ड्राइवर नहीं मानता अभी तक। कैसे? अभी तक पापा की परी हो आप थोड़ा सा। ऐसे नहीं सीनू, जिस दिन मेरे को लगने लग, दिन पक्का मानोगे? पक्का किस दिन मानोगे आप? जिस दिन मेरे को लगने लग जाएगा हाँ अभी पक्के। आपने तो कदे को लग गया, कदे गाड़ी धोनी पड़ जाए। नहीं तो नहीं के लिए तो खुद बोलते हो ना नहीं लेके आवांगे, लेकिन उसके लिए पहले जिस दिन मेरे को संतुष्टि हो जाएगी ना कि आप अभी पक्के और अकेले ड्राइवर बन गए हो और अकेले लेके जा सकते हो गाड़ी को कहीं भी जाना। जिस दिन मेरे को लगने लग गया ना कि आप अकेले गाड़ी को लेके जा सकते हो। और घर कौन लेके जावे है? लेके जाओ साथ में, मैं होता हूँ ना। टोटला सी शायद आंख में की बोलिया करो, वो अंजन आ रही तो शायद इसमें अंजन आ रही हो सकती है, हो सकती है, कंफर्म नहीं है। यहाँ गेट पे अभी हम जाने लग रहे हैं, निकल गए हैं अभी। पापा की परी लग जाती गाड़ी ना, ऐड लग जाती गाड़ी। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है जहाँ तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि कई सालों बाद, साल 2-3 साल तो ही होंगे, तो 2-3 साल बाद हम जिम में जाने लग रहे हैं। तो देखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, प्रैक्टिस का वर्कआउट करेंगे, तो वर्कआउट में मेरा और सोनिका का कंपटीशन होगा दोनों का। तो गाइस पहुंच रही हैं आप जिम में, सुरेश जी तो यहीं थक गए हैं, तो जिम क्या करोगे आप, यही थक गए सीढ़ियाँ चढ़ते। तो ध्रुव जी बैठे हैं यहाँ पे इतने और जनाब कर रहे वर्कआउट। मैं मान लूँ थोड़ा फैशन, मेरा मतलब मैं भी वर्कआउट कर लूँ थोड़ा सा। और गुरु जी बोल रहे हैं आपका वेट काफ़ी बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है मेरा वेट? दिखाई दे रहा है। ये नहीं पता, शादी के स्ट्रेस में मेरा वेट घट गया। चलो कर लेते ट्रेडमिल, कर लेते पहला ट्रेडमिल मैं तो ना करूँ ना, पसीना होगा और फिर और वेट कम होगा है ना। कार्डियो कर लो मोर भी घटा है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं इतने ट्रेडमिल का, क्योंकि ज़्यादा मेरे को पसीना निकालना नहीं है, मेरे को नॉर्मली वेट बढ़ाना है। तो मेरी बॉडी देख सकते हो आप कितनी मोटी है।
आज का वर्कआउट हमारा हो लिया है। नॉर्मल किया था कि 5% करा था आज ओनली, थोड़ा किया है ताकि शरीर ज्यादा थके ना और जाके नींद ना आए, क्योंकि हमें पढ़ना भी है और पहला दिन है, बॉडी पूरी बढ़ जाएगी तो कल उठा भी नहीं जाएगा। गाड़ी की चाबी पता नहीं, आप देखो तो कल उठा भी नहीं जाओगे हमारे पे, तो इस वजह से 5% ही करा है। थोड़ा बहुत करके ही हम जाओ मार्केट का नहीं तो सामान खरीद के लेके आना है, क्योंकि जो मेरे पास मैसेज भेजा था इन्होंने वो सामान खरीद के लेके आना है। अभी याद कर लियो भैया, गाड़ी उस साइड हमारी भूल गए थे, जूस तो पिला दो ही भैया, पसीना तो कटवा दिया मेरा। तो फ्रेंड्स आप जिम तो आके इब आ गए थे, अभी कुछ पोस्टर पास्टर निकलवाना था मैंने, तो वह निकलवाना आ गए थे। वो पोस्टर था मैंने बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने कि कैसा है कैसा नहीं है, बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। तो थोड़ा इंट दे दूँ, थोड़ा सा इंट दे इसको हो बस, ज़्यादा नहीं। क्यों निकलवाया है, कहाँ तक निकलवाया है, ये काम खतर निकलवाया है, वो बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा अपने। इतने थार खतर सस्पेंस है, बने रहो। थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेना था, तो डेकोरेशन का सामान लेना आ रहे थे हमें, केक सिलेक्ट करेंगे पता नहीं जनाब। तो ये दे रहे हैं भाई 150 का एक, और बताओ कौन सा पीस लेना चाहिए अपन नीचे तो, आप बताओ आपने कौन सा पसंद आया है? ये लोग ये ले रहे हैं, और बाकी मैंने कोई पसंद नहीं आया। रेट में भी थोड़ा ज़्यादा मांगने लग रहे हैं, रेट में थोड़ा ज़्यादा मांगने लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हम ये लेने लग रहे हैं और दो ये लेने लग रहे हैं, एक बार ज़्यादा नहीं लेने लग रहे सामान, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेट बोलने लग रहे हैं। तो और कहीं तो लेकर आवाँगे फिर, एक थोड़ा इमरजेंसी है तो ये ले लें। इतने सारे फूल थे, इनमें तामीन दो पसंद आए हैं ओनली, बस जो लेकर आए हैं वही, और पसंद में नहीं आए अभी। सार मैंने ये जिस टाइम पर दिवाली आया करो उस टाइम पर 100 के 400 के 400 फूल आया करो, 150 का एक दिया मर बटन पूरे जमा लूट रहे हैं, तो मैंने बस 2-3 पीस लिया मैंने। हम जाके हम जब इशार जाएंगे तब इशार तो लेकर आवेंगे, क्योंकि घर खातर बहुत सारा सामान खरीदना मैंने, क्योंकि अपना नया घर बनाया था तो वहाँ खातर अभी तक डेकोरेशन का कोई भी सामान नहीं खरीदा आपने वहाँ पर अभी तक, तो जाके खरीदना है। पता नहीं किसी ने बोला जाके सुरेश गन्ना जूस बनवाने चल गए हैं, क्योंकि हम जिम तो सीधा आ गए थे, हमने कुछ खाया पिया नहीं है, लगी भूख बहुत ज़्यादा, तो वो जा रहे हैं गन्ना का जूस पैक करवाने। देखो किसकी याद में खो रहे पता नहीं, आज बीच में बारिश ही आ गई थी तो एक आधे बूंद तो इसका चिपकी है, की कहो भाई साहब। अच्छा हमी पहली बार उसमें आया सोनी पत मार्केट में, तो हमें रास्ता नहीं पता, तो रास्ता पूछने लग रही है शायद कि मार्केट तो बाहर निकलेगा कि कौन सा निकलेगा। देखिए कि श्री आने लग रहे हैं, देखिए 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 इतना छोटा सा गिलास लेके आयो मेरे खातर है, इतना भूख मिट जाओगी मेरी, भूख मिट जाओगी इतना मेरी। हाओ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चेयर और टेबल देखने गए थे, यहाँ पे मिले हमें प्लास्टिक की मैंने लेनी नहीं थी, मैंने लेनी थी स्टील की। तो ये देखो मार्केट में हमें बिल्कुल अनो ना इस मार्केट से, और ना यहाँ पे कोई बताने लग रहा कि कहाँ मिलेगी स्टील की, तो आगे की तरफ जा के देखने लग रहे हैं। जैसे कोई शॉप मिलेगी तो आप सबने भी दिखावांगे कौन सी चेयर लेवाएंगे कौन सी टेबल लेवाएंगे। चेयर के चक्कर में पूरा सोनीपत की मार्केट आंडे यहाँ ना मिनू मेरा किन्ने जाना है किन्ने नहीं, आंडा गोल 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 कहीं मिल जावा मिन दुकान कोई दुकान नहीं मिली, क्यों के लग रहा है अनमोल इसी बिल्कुल पर है दुकान पे। तो ये वो लोकेशन डाला हमें लास्ट में, हम खो के खड़े हो गए हाँ, और कुछ नहीं है, सीधे चल रहे तो सीधे चलो चक्कर काटने लगे, ये भी थोड़ा बहुत ही अच्छा आया है, तो जाके हम बढ़ागे लाइन में, लाइन की लोकेशन बढ़ लिया मैंने। सोनी पत मांड है हमारे, 2-2.5 घंटे खराब हो गए, रात भी होगी, सारी दुकान भी बंद हो ली, हमने
टेबल चेयर नहीं मिली अभी तक, तो फिर कल फिर घुमा घुमाई होगी। तो एक दो बंदे कॉन्टेक्ट में सोनीपत के, उनका पूछूंगी अभी, उनका दरअसल फोन को मिला वाला था, सब खुद ही ढूंढ कर देख लिया। तो ये सुरेश ले जा रहे हैं पाइप छोटा सा, कौन पाया? अरे यार वो कहीं ना तो एसी को पानी दिख रहा है। तो पाइप वाली कौन दुकान है? अच्छा रे यार, रही यार सी कौन केड़ है। एक के बार भी सुरेश ने बहुत टाइम लगा दिया है, 5-7 मिनट हो गए गए ने, तो शायद नालिया मिल गई हो, तभी टाइम लग गया, शायद कटवान कुटवान लग गया हूँ। तो बाकी मेरा माथा दुख है, जिम के बाद हम इसीलिए 2-2.5 घंटे हम काटे, क्योंकि जिम मम्मी कितने बजे गए थे ध्यान को नहीं, हम 5:30 निकल नहीं शायद हम जिम में, तरीब 9 बजे न जा रहे हैं, आज जाके रोटी पानी बनाना, अब बिल्कुल थक रही हूँ, हिम्मत ही नहीं है। तो शायद आज की बार है मंगल, हाँ आज मंगलवार है, तो आज मैस में पूरी छोले और अलवा खीर मिलेगी, तो बोलूँगी उनको मैस वाला खाना पैक करवा के लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आज, तो सर पाटन लाग रहा है जमा, क्योंकि एसी मैंने बिल्कुल शूट कौन करा रहा, एसी में बैठी हूँ कब तक, और जिम के बाद सीधी बैठ गई थी, वैसे गिलास आपने देखा थोड़ी देर पहला जूस जूस का पिया था, कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। एक अननोन शहर में जा कर रहे वो तो यह दिक्कत है, अननोन तो के ले 4-4.5 साल हो गए मैंने यहाँ पे, लेकिन गलती मेरी है, मैं कभी बाहर निकल के कौन देखा लाइन पे, तो यह गलती अब मेरे पे महंगी पड़ रही है, भारी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। मेरा यूँ शौक कौन था कि मैं बाहर निकलूँ, मैं ड्यूटी तक करी तो बस ठीक है, फिर अपना रूम पे बस बहुत है, काफ़ी है, आंडन फेड़ की मेरी आदत नहीं थी। मंडी का भी सामान खत्म हो गया था, जनाब भी खाली आता गे, अब क्यों गया कौन मिली तो जिम इतना टाइम भी लगाया है, क्या बोले गलत जाए क्या अपन भाई, ए बकवास क्या बोलिया इस पर नाली तो सही सी नु है मैं इनको दे दे रही हूं, ओ एक रस नाली पर कूलर के से लेके गई थी, हां पतली उन्होंने मिल जाएगी जो सी पतली पतली है, ले ले और कूलर वाली है तो की प्रोवाइड बात हुआ पीस ले ले तो पानी को थोड़ी नहीं बिगड़ पे की पद, हां माता बटर लग गया मेरा जमा। चलो गाइस चलते हैं क्वार्टर पे, कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, पता नहीं सुबह पर उठती किसका मुंह माथा देखा था, मुंह माथा तो आप ही देखा था बोला ना और तो कोई क्वार्टर में नहीं मैंने पकड़ था वाला, ये लेफ्ट में तो पता को नहीं, आप राइट में चलो ना अपना कग जाके हो गए सारे घूम के आंट फिर का जमा थक के आखिरी माम तब भगवान की शरण में आ गए कि भगवान आप बेड़ा पार लगाइए हमारा, तो जमा थक गए सुरेश तो जमा विनती कर लाग रहे है भोले बाबा जल्दी जल्दी हमें सारा सामान मिल जा रहे, थक लिया हमें ये मेरे कृष्ण भगवान थक चुके हैं हम बिल्कुल ही, और तो आपको मैं बाद में बताऊंगी। ये देखो लेके आए नारियल, खाया नहीं कि ऐसा नारियल दे दिया, पानी है नहीं इसमें, इसमें आगे गिरी गिरी पूरा पैकेट उठा के ले आए थे हम, पूरा मतलब की पूरा कट्टा भर के ना, लास्ट ये 2 बच गए गिरी निकल गई, इतना बड़ा धोखा हो रखा हमारे साथ, चक्कू तोड़ दिया इन्होंने, 20-25 रुपए चक्कू गया था कर दी, देख लो जी ले रहे हैं पेचकस, ये पेचकस गला करने लग रहे हैं, देखो क्या करेंगे, चोट ना खा लियो आप जनाब, दे लो के पॉइंट हमारे हैं, क्या कर रहे हो सच्ची मारे में पसीना झूठ नहीं हुई है, चेक कर सको वो देख लो, थक गए बेचारे पानी पी रहे हैं अब देखो नू बताओ, जब अभी वाले फुटिया गए वो तेरी को पानी 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 ये बताओ ने, ये जिस तरह मुहूर्त मारत करा जब नारियल फोड़े हैं मतलब पदारे हैं नारियल ने, वो तो एक सेकंड में फूट जावा है, एक मारता है ना एक बार धरती है मारती है फूट गया, तो सीनू यार कितना पानी से गिरा दिया, देखो रे पूरा नारियल बन रहा रे, 20 रुपये में गिरी आ जाती, 20 रुपये चक्कू गया था कर दिया अपने, बताओ गिरी आ जाती ना 20 रुपये में आराम से, अच्छा वो केमिकल वॉश केमिकल में कैसे हो सकते हैं, आप भी अच्छी बात कर रहे हो, तो देख लो थारे उस्ताद की कम है,
मैंने वो तो केमिकल की गिरी है, तो केमिकल की गिरी थोड़ी ना होती। तो देख लो कितनी एंडी बन गई है और पसीना देख लो भाई बेचारा का भरपूर मात्रा में निकल चुकी है बिल्कुल। अब मैं खा दूँ साथ साथ में, तो थैंक यू सो मच। पसीना टपक गया ये देखिए। मैं अपने छोला का दोबारा छोंक लगा लूँ, क्योंकि मैं इसमें अपने बता थोड़ा सा कि छोंक किसा लगा रखा था। बढ़िया घी का लगा लूँ, बढ़िया तड़का लगा लूँ, प्याज काट के ना थोड़ी ये खा लूँ, मज़ा आया खा कर। और कुछ बनाना को नहीं आता, मैं छोंक छोंक लगाना है, थक रहे हैं दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा।